आपने हिम्मत वाला पहली बार कब देखी थी, जो ओरिजिनल हिम्मत वाला है? ओरिजिनल हिम्मत वाला मैंने, मुझे जब फिल्म ऑफर हुई, मैंने इसी एक वजह से देखी कि मैं जानना चाहती थी कि साजिद को इस पिक्चर के बारे में क्या इंस्पायर किया। कभी श्रीदेवी से मिलने का मौका मिला है आपको? जी एक्चुअली मैं उनसे पहली बार जब मिली थी तो उन्होंने मुझे बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया था एक साउथ इंडियन अवार्ड फंक्शन पे। तो ऑब्वियसली वो अवार्ड और भी स्पेशल हो गया क्योंकि वो श्रीदेवी मैम ने मुझे दिया था। एंड उसके बाद या आई मेट हर वंस और ट्वाइस आफ्टर दैट, बट हिम्मतवाला को साइन करने के बाद उनसे मिल नहीं पाई। तमन्ना, बॉलीवुड में अब इंटीमेट सीन या किसिंग सीन कोई भी टैबू नहीं रहा। हमारी टॉप एक्ट्रेस ने फिल्मी पर्दे पर अपने रोल के लिए सब कुछ कर लिया। इस तरह के सीन्स के लिए आप कितनी तैयार हैं या कितनी कंफर्टेबल हैं? यू नो, मैं जब से मैंने अपना करियर शुरू किया है साउथ के पिक्चरों में और अब जब मैं हिंदी पिक्चरें भी कर रही हूँ, मैंने ये मेंटेन किया है कि मैं कुछ सीन्स में मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ और मैं नहीं करूँगी। सो आई हैव ऑब्वियसली देयर इज, आई एम नॉट जजिंग एनीबडी हु इज डूइंग दोस सीन्स, बट एट द सेम टाइम मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ और मैं नहीं करना चाहती। आपको कब रियलाइज हुआ कि आपको एक्ट्रेस बनना है? कौन सी वो एज थी, कौन सा मोमेंट था? प्रीटी मच बचपन में, क्योंकि मैं स्कूल के टाइम से शायद मुझे याद है कि मैं हमेशा से एक एक्ट्रेस बनना चाहती थी। चाइल्डहुड की आपकी सबसे फॉन्डेस्ट मेमोरीज क्या हैं, कहाँ आपका बचपन बीता है? मैं मुंबई से हूँ, स्कूल मानिक जी को एंड आई थिंक स्कूल का वक्त, स्कूल के जो दिन होते हैं ऑब्वियसली सबके लिए बहुत ही स्पेशल होते हैं और बहुत ही इनोसेंट डेज होते हैं, तो आई गेस दैट्स द टाइम। एंड फॉर मी, मैं एनुअल फंक्शंस पे बहुत परफॉर्म किया करती थी, डांस किया करती थी। किसी रोल के लिए किसी स्कूल में, कॉलेज में या बाद में साउथ में फिल्मों में आने के बाद कभी आप किसी भी लेवल पे रिजेक्ट हुई हूँ? कोई भी एक चीज़ में अगर आप एक बार रिजेक्शन फेस करते हैं तो आप वापस उठ के वापस ट्राई कर सकते हैं।